مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المقتار في القدم. ट्रेन है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है जो आप देख रहे हैं, और ट्रेन की स्पीड है इस, हाँ, कभी 288 कभी 300 तक भी जा रही है, और अब रास्ते में बारिश हो रही है इतनी तेज, और बस हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ. मैं वीडियो एडिट कर रही थी, हल्के इसलिए बोल रही हूँ, सब आएंगे. الآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي. यहाँ पर चार्जर प्लगिंग दिया हुआ था और हमें पता ही नहीं था कि हम मोबाइल चार्ज कर लेते हैं. एंड वी आर रीच्ड एट मदीना. अब हम लोग चलते हैं. काफ़ी रश है स्टेशन पे, तो मतलब काफ़ी लोग ट्रैवल करके आए, और हम लोग वहाँ से 8 बजे चले थे और अभी 10:20 हो रहे हैं, तो हम इतनी देर में पहुँच गए हैं. बाकी अब चलते हैं होटल की तरफ. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن हम लोग बाहर आ गए हैं और टैक्सी देख रहे हैं. बाकी यहाँ पर तो ठंडक हैगी, मतलब सर्दी हैगी, वरना मदीने में तो नहीं थी, वहाँ मक्के में नहीं थी, मदीने में हैगी, और बादल भी काफ़ी हैंगे जैसे बारिश हो. तो बस अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद, यहीं करीब में ही है कि मस्जिद. तो बस अब हम लोग जा रहे हैं. आज फ्राइडे तो रश भी काफ़ी होगा. तो बस यहाँ पीछे हमारा होटल है, वो बिल्डिंग, और हम लोग सीधा जा रहे हैं, यहीं पर आगे जाकर हैगा गेट. तो बस ये बाहर का हिस्सा हैगा, और वहाँ पर रश हो रहा है वैसे काफ़ी, शायद चेकिंग चल रही है या क्या है. ये लोग अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं. बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है.
मैं यहाँ वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं कर सकी थी, मैं काफ़ी रश में खड़ी हुई थी अंदर। फ्राइडे प्रेयर्स के लिए काफ़ी लोग जा चुके थे तो इन्होंने कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इससे ज़्यादा पर्सन अंदर नहीं जा सकते, बट हम बहुत ट्राई कर रहे थे, काफ़ी देर तक खड़े रहे, बहुत बादल आ गए थे, बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ बट मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है आने के बाद। और बाकी मुझे जिसने जो दुआ कही थी मैंने सबके लिए बहुत दुआ की है यहाँ पर, अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को हमारे हक में बेहतर करके कबूल मंजूर फरमाए। और बस इन्होंने जन्नत बकी के बाहर के हिस्से में हमारे लिए जगह बना दी थी जहाँ हमने जमात के साथ नमाज़ पढ़ी थी, अंदर हम नमाज के बाद गए थे। अच्छा खासा पानी हो गया और पूरा ये गीला हो चुका है। सो हम लोग हरम शरीफ में आ गए थे नमाज़ पढ़ने के बाद, और मैं अंदर बैठी हुई थी काफ़ी देर से, मस्जिद में भी चली गई थी। अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम के लिए क्योंकि काफ़ी देर से मैं बैठी हुई थी और अब असर का टाइम हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि नमाज़ पढ़ के ही चलेंगे। एक घंटा वैसे असर में, लेकिन फिर दोबारा एंट्री का मसला है कि भाई मिली ना मिले या नहीं मिले, तो बस फिर वज़ू करने चलती हूँ, वॉशरूम से भी होकर आती हूँ, वज़ू कर लेती हूँ, फिर वज़ू कर लिया है और चलते हैं ऊपर। बस काफ़ी यहाँ पर है कि सर्दी ना, तो वज़ू करके सर्दी लग रही है। आया सल ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़े कुल्लिमी محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. और हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के जो है ना चले गए थे, असर की नमाज़ पढ़ के हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल। फिर हम लोग गए थे इशा की नमाज़ में ना, तो इशा की नमाज़ में ये था कि फिर हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। फिर मेरा रियाजुल जन्ना का परमिट जो है 8:30 बजे का था, बस फिर 8:30 से 9 मतलब मुझे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स ही बैठने को मिले थे, तो ज़्यादा तो नहीं क्योंकि चेकिंग वगैरह में इतना टाइम जा रहा था। और अब मैं दोबारा परमिट चाह रही हूँ, मेरे पास शो हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 30 डेज से पहले जो है ना अब नहीं मिलेगा सेकेंड परमिट, 30 डेज गुजरना ज़रूरी है। और यहाँ पर सामने कुछ शॉप्स हैं तो सोचा विज़िट कर लेते हैं। ये जितने भी होटल हैं तकरीबन ये सब बंद हो चुके हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि पहले पाकिस्तानी आते थे वो इतने बड़े होटल मतलब उनके लिए था के चल रहा था ना। अब जितने जिनमें 1000s रूम है ना सिर्फ वो होटल खुले हुए हैं, बाकी जिनमें ज़्यादा हैं 1000 से अबव हैं वो सारे बंद हो चुके हैं क्योंकि वो खुद ही छोड़कर चले गए या बंद कर दिए, क्योंकि जितना वो कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा उनका खर्चा था, ज़ाहिर है जितने रूम्स हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ, तो उनका मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था ना। तो काफ़ी इस तरह पाकिस्तान कह रही हूँ मक्का में और यहाँ मदीने में बहुत से खाने पीने के होटल हमें, क्योंकि खाने का बहुत मसला हो रहा है, खाने के कोई बहुत अच्छे खाने के रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। तो बस ये कि अल्लाह ताला सारे मामलात बेहतर से बेहतरीन कर दे ताकि सबके लिए बहुत आसानी हो जाए। और अब यहाँ पर एक कोई मार्केट है तो यहाँ पर आए, असल में ये हमारे होटल से काफ़ी करीब है सब ना, तो इस वजह से हम लोग राउंड लगा रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी नहीं बन रही हो तो सॉरी, क्योंकि चलते हुए मैं बना रही हूँ, ट्राईपॉड वगैरह ऐसी चीज़ कोई लेकर नहीं आई हूँ। तो बस ये देखें, एक ये भी होटल है, सामने भी है, ये देख रहे हैं लाइट सब की बंद है क्योंकि सब बंद देंगे।
मैं आपको ये दिखाती हुई चल रही हूँ कि ये सारे होटल बंद हैं। मतलब देखकर वाकई दुख भी हो रहा है कि कोरोना की वजह से कितना डिस्टरबेंस आ गया है। ये भी एक है बस। बाकी ये है कि मैं जब रियाजुल जन्ना गई और नमाज़ पढ़ने गई थी, नमाज़ के लिए तो ये था कि हमें काफ़ी लेट हो गए थे, तो इस वजह से मैंने एक तो वीडियो नहीं बनाई और रियाजुल जन्ना में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ऐसी जगह है आप बस वहाँ जाकर दुआएँ मांग लें पर कुछ आप कर वीडियो नहीं बना सकते उस टाइम और इतना कम टाइम। और मैं इतनी खुश हो गई थी कि अगर मुझे सेकंड परमिट मिल जाती है, बट अब वो लिखा हुआ आ रहा है कि 30 डेज हो जाएं जब फर्स्ट परमिट को तब मिलेगी, तो मैं बहुत वो हो गया था, पहले इतनी खुश और फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये मॉर्निंग टाइम है और इस टाइम कमरे की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। यहाँ पर ये अभी कपड़े चेंज करेंगे, ये कपड़े उतारें वहाँ बैग, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर में जो है निकलना है। ये मैंने पूरे कर्टन हटा दिए तो कमरे में ना बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। मैं दिखाती हूँ, रुक, मतलब लाइट नहीं जलाई है सो इस वजह से। और बस ये कि अभी हमने थोड़ी देर में निकल जाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबी, क्योंकि हस्बैंड की है प्रॉफिट विज़िट की टाइमिंग 9 से 9:30 बजे की। मेरे तो रियाजुल जन्ना की दोबारा नहीं मिल रही, तो बस ये कि मैं फिर भी चली जाऊंगी मस्जिद में, जाकर बैठूंगी, कुछ पढ़ लूँगी, फिर हम लोग दोबारा आएंगे, सारी पैकिंग करके जाएंगे जहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये देखें, ये रात को ये सारे मैं होटल दिखा रही थी आपको, और वो है पीछे हमारा होटल, ये बाकी सारे जो बंद हो गए। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर मस्जिद नबी। बाकी ये मार्केट खुली हुई है, रात भी खुली हुई थी। एक ये गेट है बट ये पता नहीं किस तरफ जाता है। मुझे मेरे ख्याल से ये जन्नतुल बकी का नाम, क्योंकि हमारा होटल जो है जन्नतुल बकी के बिल्कुल सामने है। और दूसरा ये कि और जो वो है ना सब्ज गुंबद, उसके बिल्कुल सामने वाले गेट से हम एंटर होते हैं ना। तो बस हम लोग ये दाखिल हो गए, वो रस सब्ज गुंबद और ये जन्नतुल बकी। कल इधर जनाजे लेकर गए, 7 जनाजे थे। बस अल्लाह ताला सबको यहीं की मौत नसीब फरमाए कलमे वाली, और यहीं पर दफन फरमाए इंशाल्लाह, क्योंकि मरना तो सब नहीं है और यहाँ की मौत और ज़्यादा अच्छी होगी। पीछे वहाँ पहाड़ दिख रहा है, अभी तो धूप निकली हुई है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, जितनी ठंड है ना उसमें धूप अच्छी लग रही है। वहाँ पर रश हो रहा है अच्छा खासा। हाँ सलातुल हाजात पढ़ूँगी। हाँ तो वहाँ पर जो है ना रश हो रहा है, जा रहे हैं हस्बैंड प्रॉफिट विजिट के लिए जा रहे हैं। हस्बैंड को तो रियाजुल जन्ना की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि काफ़ी रश रहा है, तो 17 डेट तक कोई डेट ही नहीं है, ना 13 की थी ना 14, कोई डेट नहीं थी। बाकी ये गेट खुला हुआ है यहाँ पर। मैं अभी इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि अभी बस मैं जा रही हूँ चलते हुए। रात भी जब मैं वहाँ से निकली थी, इन लोगों ने ना ये सामने 37 गेट है यहाँ से लेकर गए थे हमें रियाजुल जन्ना के लिए। पहले तो ये था कि लेडीज़ के पोर्शन में से खोल देते थे ये लोग, बट अब इन्होंने ना जेंट्स का पोर्शन खाली कराते हैं जो करीब में है जन्नतुल रियाजुल जन्ना के, और वहाँ पर उसमें से ले जाते हैं करीब वाले में से। तो ये कि रात तो बस मैं निकली थी उधर गेट से, मेरी पता है बस उस टाइम मुझे निकलने का वो था कि इतनी मैं आ गई हूँ और मैं दोबारा जा सकूँगी या नहीं, वही दिमाग में चल रहा था। मेरे जहन में ही नहीं था कि वीडियो बनानी है, तो मैंने रात तो कोई वीडियो ही नहीं बनाई, ना जाते हुए ना आते हुए। बस अभी और सब गुम्बद आज दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, असल में ये अम्ब्रेला खुली नहीं है तो नज़र ही नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देती हुई चलूँगी मदीने के मुताबिक, मदीने से रिलेटेड, कि अगर आप लोग आ रहे हैं ना, आप लोग का इरादा है कि इस दिन हमने आना है, तो आप लोग ना रियाजुल जन्ना और जो जेंट्स हैं वो रियाजुल जन्ना और प्रॉफिट विज़िट के लिए पहले से ही बुकिंग करवा के रखें। एट अ टाइम तो बिल्कुल भी बुकिंग नहीं होगी, और ख़ास तौर पे फ्राइडे के डेज़ और उसके आसपास के डेज़ तो बिल्कुल, जैसे थर्सडे और सैटरडे दोनों ही फाइनल बुक है। लेडीज़ को तो फिर भी इजाज़त मिल गई, जेंट्स में इतना रश था कि हस्बैंड को कोई इजाज़त नहीं मिली। और सेकेंड ये कि अगर आप लोग
यहाँ पर जैसे इजाज़त ले लेते हैं तो बस फिर उसके 1 मंथ बाद तक आपको कोई बुकिंग नहीं मिलेगी। तो ये हैगा, यहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है। ये लोग ज़रा से भी टाइल्स ऊपर नीचे हो जाए पूरी उतार कर, मतलब निकाल कर चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए टूट कर बाहर आ जाएगी, दोबारा नहीं लगेगी। और ये लोग हैं कि एक चीज़ ज़रा सी कुछ नहीं होता कि चेंज करते हैं। ऐसे ही मक्के में भी बहुत काम हो रहा था। अच्छा, ये जो है जो जहाँ से मैं एंटर हुई थी वहाँ से स्ट्रेट रास्ता जा रहा है जन्नतुल बकी के साथ। उधर से 30 गेट नंबर है लेडीज़ के लिए ना। और रियाजुल जन्ना जो है आप वो पूछ लिया करिएगा, क्योंकि कभी किसी और गेट से जा रहे हैं कभी किसी और से, एक ही गेट से नहीं, तो हमेशा पूछ कर फिर उस गेट पर जाइएगा। का टाइम हैगा और अभी काफ़ी लाइट वगैरह बंद है, लोग भी कम आएंगे, तो बस मैं चलती हूँ और यहाँ वीडियो बंद करूँगी। उनका करम, उनका करम है। फिर पेश नजर गुंबद खजरा है, हरम है, फिर नाम खुदा रोज़ा जन्नत में कदम है। फिर पेश नजर गुंबद खजरा है, हरम है, फिर शुक्र खुदा सामने मेहराब नबी है, फिर शुक्र खुदा सामने मेहराब नबी है। फिर सर है मेरा और तेरा नक्श कदम है, फिर सर है मेरा और तेरा नक्श कदम है। ये पेश नजर गुंबद खज़रा है, हरम है, ये नाम खुदा रोज़ा जन्नत में कदम है। बस अब मैं वापस जा रही हूँ और हमारे जाने का टाइम हो गया है। इस जगह को हम अल्लाह हाफिज़ करेंगे। बस दिल अजीब सा ही हो रहा होता है, क्योंकि बंदा चाहता है कि यहाँ पर आए तो बस यहीं का होकर रह जाए, वापस ना जाए। जो नहीं आ पाते उन्हीं उनको तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो यहाँ आ जाते हैं और आकर वापस जाते हैं ना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। बहरहाल, ये वाला आपको बादल दिख रहा है, ये ऐसे नहीं लग रहा है जैसे बर्ड बैठी हुई हो बादल के ऊपर। मैं चलती हुई जा रही थी और मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये तो मनाऊं, और वो अब बर्ड आगे जा रही है। और ये देखो, ये डायनासोर जा रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोग को भी लग रहा है। ये है हमारा होटल और ये बिल्कुल जन्नतुल बकी के बिल्कुल सामने है। ये हैगा, मुझे मक्के वाले का ना नाम याद है और ना मैं रिकॉर्ड करना याद रहा। अब हम लोग हैं बस के अंदर और हम खाने लगे हैं कुनाफा। इसका सिरप नहीं दिया, सिरप डाल के खाते हैं ना। अच्छा पकड़ो, हो सकता है ये वो हो, ऐसा ना हो ये चीज़ वाला ना हो। खोलो, हाँ ये चीज़ वाला है आई थिंक, या तो चीज़ वाला होता है या क्रीम वाला होता है। चीज़ वाला है, क्रीम है। चलो अब मैं भी खाती हूँ ये। क्या कह रहे थे, वीडियो बनाओ, मैं खा रहा हूँ।